हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एक मिनट बच्चों। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास शुरू कर दी थी। परमुटेशन भी खत्म कर लिया, कॉम्बिनेशन भी खत्म कर लिया, और आज हमारा टारगेट है मिसलेनियस के क्वेश्चंस करना, जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन बोथ मिलकर एक दूसरे पे अटैक करेंगे और क्वेश्चंस बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, हम एग्जाम्पल नंबर 20 से, एग्जाम्पल नंबर 20। हाँ जी बच्चों, देखिएगा, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ थ्री वॉवल एंड टू कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स इन द वर्ड इनवॉल्यूट। चलिए बच्चों देखो, द गिवन वर्ड इज, हाँ जी, सबसे पहले वर्ड है हमारे पास इनवॉल्यूट, इनवॉल्यूट। और इसने बोला है कि एक ऐसा वर्ड बनाओ विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है, एक ऐसा वर्ड बनाओ विद और विदाउट मीनिंग जो इसके तीन वॉवल और दो कॉन्सोनेंट से मिलके बने। किससे मिलके बने? तीन वॉवल और दो कॉन्सोनेंट से मिलके बने। तो पहले बच्चों हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स इन गिवन वर्ड। हाँ जी, गिवन वर्ड में वॉवल कितने हैं? आई ओ यू ई, यानी कि चार है। टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इन गिवन वर्ड, हाँ जी, कितने हैं? एन वी एल, तीन, और टी, तो कितने हो गए भाई? एक दो, यानी तीन, चार, चार आठ, तो यानी चार बचे। तो अच्छा, चार हो गए, और टोटल वर्ड कितने हैं? आठ। अब हमें इसमें काम करना है कि हमें इसके अंदर सिलेक्शन चलाना है। क्या चलाना है बच्चों? सिलेक्शन चलाना है। तो किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात, हमें कॉन्सोनेंट चुनना है और वॉवल चुनना है। कॉन्सोनेंट चुनने हैं तीन, सॉरी, वॉवल चुनने हैं तीन और कॉन्सोनेंट चुनने हैं दो, तब जाके एक वर्ड बनेगा। सही बात है। मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, इधर देखिए, मान लीजिए मैंने कोई तीन वॉवल सेलेक्ट कर लिया, मान लिए आई ओ यू, ये सेलेक्ट कर लिया, और कोई दो कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लिए, मान लो एन और वी कर लिया, ठीक है जी, इसको कर लिया। अब बच्चों, इसको सिलेक्ट करने में मैं क्या लगाऊंगा? कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि एक कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन भी है, एक कंडीशन के बाद मेरे पास दूसरी कंडीशन भी है। एक में वॉवल चुनने हैं, एक में कॉन्सोनेंट चुनने हैं। तो जब अलग अलग पर्टिकुलर हो और कई सारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट को ऐड करें तो उसी को हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात की है। तो इनको आपस में हम क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन से करेंगे। लेकिन जब मैं इनको सेलेक्ट कर लूंगा बच्चों, तो इन्हें आपस में भी तो इधर उधर कर सकता हूं। तो यानी इनमें कॉम्बिनेशन तो लगेगा ही, और सेलेक्ट करने के बाद क्या लगेगा? परमुटेशन भी लगेगा, क्योंकि सेलेक्ट करने के बाद भी हम इनको क्या कर सकते हैं? इधर उधर करके अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट विद और विदाउट मीनिंग वर्ड, टू सेलेक्ट वर्ड, ठीक है, टू सेलेक्ट वर्ड। चलिए बच्चों सेलेक्ट करते हैं। हाँ जी, चार वॉवल है हमारे पास और चार में से सेलेक्ट कितने करने हैं? तीन। लेकिन क्या काम खत्म हो गया? जी नहीं, अभी हमें कॉन्सोनेंट भी पता करने हैं। क्या पता करने हैं? कॉन्सोनेंट भी पता करने हैं। तो चलिए, कॉन्सोनेंट कितने हैं? तो काम खत्म नहीं हुआ है, तो मल्टीप्लाई, चार, चार में से कितने कॉन्सोनेंट? दो, तो ये हो गया। लेकिन क्या यहीं खत्म हो जाती है कहानी? जी नहीं, तीन वॉवल और दो कॉन्सोनेंट चुनने के बाद हम उनको भी अरेंज करेंगे, इसलिए तीन और दो पांच है, तो मुझे पांच फैक्टोरियल की जरूरत भी पड़ेगी। तो भाई 4C3 आपको अच्छे से पता है, एन सी एन माइनस वन होता है एन, और ये बनेगा 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल, 5 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, कट गया 2 से 2, 2 से 2। हाँ भाई, तो कितना आ जाएगा? 4 × 4 = 16, 6, या एक काम करो ना, सीधा 5 चौके 20, 30 = 60, और
चार चौक 16 और 16 थी 48 और ये पाँच चौक के 20 दिया 60, 6 से मल्टीप्लाई कर दो 0, 8, 4, 24, 4, 28। तो बच्चों 2880 तरीके के हम क्या बना सकते हैं, वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हो गए तीन सेलेक्ट करने के, ये हो गए दो सेलेक्ट करने के, कौन कॉन्सोनेंट, और ये पांच फैक्टोरियल क्या है, पांच फैक्टोरियल है कि जब मैं उन्हें सेलेक्ट कर लूंगा तो उनको भी अरेंज कर सकता हूँ, उनको भी अरेंज कर सकता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 20 था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उतारिए। फिर इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 21। यह काम कीजिए बच्चों, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्राई कीजिए, सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन पता है क्या है, वर्ड दिया हुआ है डॉटर, वर्ड दिया हुआ है डॉटर, कह रहा है जिसमें से वर्ड बनाना है हमें दो वॉवल का और तीन कॉन्सोनेंट का, मतलब दो वॉवल लेने तीन कॉन्सोनेंट, और कह रहा है उससे लेटर बनाने, तो बस वही है। मान लो डॉटर में कितने वर्ड, वही डॉटर में लेटर कितने, तीन, तीन छह और दो आठ, आठ है, कॉन्सोनेंट कितने इनमें, तो ए यू ई, तीन, तीन वॉवल है जिसमें, तो तीन वॉवल है तो पांच कॉन्सोनेंट है, तीन में से दो चुनने, पांच में से तीन चुनने, और फिर उनका पांच फैक्टोरियल सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 21। ठीक है, ये मिटा रहा हूं, देख लो बच्चों, हाँ जी 21, एग्जाम्पल 21, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखो कह रहा है इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में चार लड़कियां हैं सात लड़के हैं, एक ग्रुप में चार लड़कियां हैं सात लड़के हैं, कह रहे हैं बताओ पांच, पांच मेंबर का ग्रुप बनाना है, पांच मेंबर का टीम बनानी है हमें, एक टीम बनानी है जिसमें पांच मेंबर हैं, तो बताओ कि हम किस किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, इफ नो गर्ल, एक भी लड़की ना हो, दूसरा एटलीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल, कम से कम एक लड़का ग्रुप में होना चाहिए या कम से कम एक लड़की ग्रुप में होनी चाहिए, ठीक है जी, और थर्ड कह रहा है एटलीस्ट थ्री गर्ल्स, कम से कम तीन लड़कियां होनी ही चाहिए, कम से कम तीन लड़कियां होनी ही चाहिए। तो अब देखो सबसे पहले ये चेक करो टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज, हां जी बॉयज कितने हैं, पांच हैं, ठीक है, सॉरी बॉयज पांच नहीं सात हैं। अब है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी है, चार। अब कह रहा है कि भाई हमें पांच बंदे सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सेलेक्टिंग, सेलेक्टिंग मेंबर, सेलेक्टिंग मेंबर, तो हाँ जी कितने बंदे सेलेक्ट करने हैं, पांच बंदे सेलेक्ट करने, तो आइए काम करते हैं एक एक करके। केस नंबर फर्स्ट, हाँ भाई नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, इफ टीम हैज नो गर्ल, एक भी लड़की नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट केस में एक भी लड़की नहीं होनी चाहिए, तो बात ही खत्म, जब एक भी लड़की नहीं होनी चाहिए तो सात में से पांच लड़के ही चुनेंगे हम, बात ही खत्म हो गई, सात फैक्टोरियल, पांच फैक्टोरियल, सात में से पांच गया दो फैक्टोरियल, सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल, फाइव फैक्टोरियल टू इंटू वन, कट गया दो तिया, तो सात तिया बच्चों क्या 21, 21 तरीके से हम लड़कों में से सिलेक्ट कर सकते हैं क्या टीम। सेकेंड केस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट इफ टीम हैज, इफ टीम हैज एटलीस्ट, ये लिखा हुआ ना, हाँ एटलीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल, ठीक है, कम से कम एक लड़का या एक लड़की तो होनी ही चाहिए, ठीक है जी, केस बनाते हैं, चलो कम से कम एक लड़का होना चाहिए और कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। अब ये बताओ हमारे पास लड़के हैं कितने, सात, ठीक है जी, मान लो एक टीम हमने ऐसी बनाई जिसमें एक ही लड़का है, एक टीम हमने ऐसी बनाई जिसमें एक ही लड़का है, तो जब एक ही लड़का है तो क्या काम खत्म हो गया, जी काम खत्म नहीं हुआ, काम खत्म तब होगा जब मैं पूरे पांच मेंबर सेलेक्ट कर लूंगा, काम खत्म कब होगा, जब पांच मेंबर पूरे सेलेक्ट कर लूंगा, तो अभी तक तो कितने सेलेक्ट हुए, एक, यानी चार सेलेक्ट और करने बाकी हैं, तो मल्टीप्लाई,
भाई जब लड़का मुझे एक ही चाहिए तो सात में से एक लिया, लेकिन अब लड़कियां कितनी चाहिए होंगी? चार। तो चार में से चार लड़कियां सेलेक्ट कर लीजिए, काम खत्म हो गया। लेकिन अभी भी एक नया केस बन रहा है, तो हम क्या करेंगे? प्लस। हम क्या करेंगे? प्लस। अब की बार मान लो भाई मैंने सात में से दो लड़के ले लिए। अब की बार मैंने मान लो सात में से कितने लड़के ले लिए? दो लड़के ले लिए। अब अगर सात में से दो लड़के ले लिए तो पांच बनाने के लिए और कितनी लड़कियां चाहिए? तीन। तो भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि काम खत्म नहीं हुआ था, तो चार में से तीन। अब एक नई कंडीशन बन रही है, क्या? अब की बार मान लो मैं सात में से बच्चों तीन लड़के ले रहा हूँ, तो जब तीन लड़के ले रहा हूँ तो लड़कियां कितनी लेनी पड़ेंगी? दो। तो यानी कि चार में से दो। फिर इसी तरह नई कंडीशन बन रही है प्लस। अब की बार मान लो मैं चार लड़के ले रहा हूँ, चार लड़के ले रहा हूँ और चार लड़के लूंगा तो भाई लड़कियां कितनी लेनी पड़ेगी? एक। और फोर सी वन। अब नेक्स्ट में मान लो मैं साथ में पांच लड़कियां ले रहा हूँ तो लड़कियां कितनी लेनी पड़ेगी? जीरो। लेकिन इसने तो पहले ही बोला है कि एक लड़का होना चाहिए, एक लड़की होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये कंडीशन हम नहीं बनाएंगे, ये कंडीशन हम नहीं बनाएंगे। ठीक है जी, बस सिंपल। अब जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर दो। सेवन सी वन सेवन, फोर सी वन वन प्लस सेवन सी टू, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, और ये सॉल्व होके कितना आया था अभी? 21। और फोर सी थ्री फोर प्लस सेवन सी थ्री, सेवन सी थ्री क्या होगा भाई? सॉल्व करके देखो, सेवन सी थ्री होगा सेवन फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल, सेवन माइनस थ्री फोर फैक्टोरियल, तो सेवन सिक्स फाइव, फोर से फोर तो कट जाएगा, थ्री इंटू टू सिक्स, यानी 35 आएगा ये, तो 35। और फोर सी टू कितना होगा? टू से टू कटा, सिक्स होएगा ये प्लस। हाँ भाई सेवन फोर, तो ये भी 35 ही होगा, एंड टू फोर सी वन फोर, कर दो मल्टीप्लाई। सेवन इक्कीस चौके चौरासी, पैंतीस छक्के कितना होगा भाई? इक्कीस दो सौ दस, और पैंतीस चौके कितना होगा? चार पंजे बीस का जीरो दो, और बारह और दो चौदह, 140। ऐड कर दो बच्चों सबको, सबको ऐड कर दो, 140 ये इतना, साढ़े तीन सौ, साढ़े तीन सौ और नवासी, तो कितना जाएगा? पचास और उनचास, तो 449। कितना जाएगा? 449। 449 होगा, नहीं 449 नहीं होगा, सात और चार 11, अच्छा हाँ ये 41 होगा, सॉरी 441 होगा। ठीक है जी, चलिए ये हो गया तीसरा, सेकंड पॉइंट हो गया। अब तीसरे में कह रहा है, तीसरे में क्या कह रहा है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट इफ टीम हैज, टीम हैज एटलीस्ट थ्री गर्ल्स, कम से कम तीन लड़कियां होनी चाहिए। तो बस भाई कम से कम तीन लड़कियां, मतलब चार में से तीन लड़कियां, तो लड़के कितने चाहिए होंगे? सात में से दो, काम खत्म नहीं होता इसलिए मल्टीप्लाई। लेकिन अभी भी एक केस और बन रहा है, मान लो हम चारों में से चारों लड़कियां ले लें तो क्या होगा? क्योंकि एटलीस्ट का मतलब होता ज्यादा, लेकिन कम नहीं हो सकता। अगर उसने एटलीस्ट थ्री लड़कियां बोली हैं तो तीन लड़कियां ले सकते हैं और तीन से ज्यादा भी, लेकिन तीन से कम नहीं ले सकते। तो इसलिए अगर चार लड़कियां सेलेक्ट कर रहे हैं तो लड़के कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे? वन। तो बस बात खत्म। फोर सी थ्री और 71 का कितना था आंसर? 84। इसको सॉल्व करके 84 आएगा। फोर सी फोर और 7C1 का आंसर कितना था? 7। तो ये कितना आ गया आंसर? 91। ठीक है जी, नोट करो बच्चों, नोट करो। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप कर सकते हैं, थर्ड आप कर सकते हैं, आप सेकंड क्वेश्चन करवाता हूं इसके बाद, ये नोट कर लो, वीडियो पॉज करके फिर कराते हैं। आज मेरी पूरी संभावना है कि मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा, और अगर नहीं कर पाया तो नेक्स्ट क्लास में करके फिर आगे बढ़ेंगे हम। फिर नेक्स्ट क्लास में एपीजीपी तो हर हाल में शुरू कराना ही है मुझे।
चलिए बच्चों अगला देखेंगे। हाँ जी देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड मिसलेनियस का कह रहा आपसे कि हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ इक्वेशन। द गिवन वर्ड इज इक्वेशन। हाँ जी क्या वर्ड बना है आपके सामने? इक्वेशन वर्ड बना है। कौन सा वर्ड बना है? इक्वेशन। एट अ टाइम सो दैट द वॉवल एंड कॉन्सोनेंट अकर टूगेदर। हाँ जी ऐसा करना है कि वॉवल और क्या भाई कॉन्सोनेंट एक साथ हो जाए तो बस टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स। हाँ जी ई यू ए आई ओ तो ए ई आई ओ यू तो देखना ए भी है ई भी है आई भी है ओ भी है यू भी है पांच तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। हाँ जी तो तीन तीन छह और दो आठ है तो बचा तीन। नाउ अब क्या कह रहे हैं कि भाई वॉवल और कॉन्सोनेंट दोनों एक साथ होने चाहिए। नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन वॉवल्स वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर अकर टुगेदर। हाँ जी तो पांच सी पांच मल्टीप्लाई तीन सी तीन ठीक है मल्टीप्लाई तीन सी तीन। क्यों? पांचों के पांचों वॉवल सेलेक्ट करने हैं तीनों के तीनों कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं और साथ ही साथ भाई सारे वॉवल और सारे कॉन्सोनेंट एक साथ होने चाहिए। मतलब उसको हम कितने तरीके से कर सकते हैं जैसे ए आई ई ओ यू और बाकी कौन बच गया? बाकी बच गया क्यू टी और एन। इनको कैसे आगे पीछे कर सकते हैं भाई? इनको इसके इधर उधर ही आगे पीछे कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या कर सकते हैं इनको? क्योंकि एक तो पांच में पांच सेलेक्ट करना इनका अरेंजमेंट, तीन में तीन सेलेक्ट करना इनका अरेंजमेंट, और फिर इन दोनों को आपस में अरेंजमेंट करना तो कितने हैं? दो फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि वॉवल एक यूनिट और कॉन्सोनेंट पूरा एक यूनिट। ठीक है जी तो फाइव सी फाइव क्या होगा जल्दी बता दो। फाइव सी फाइव होगा फाइव सॉरी वन। थ्री सी थ्री क्या होगा? वन और टू फैक्टोरियल। एक मिनट एक मिनट एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रही है बच्चों। एक मिनट इसमें कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा क्योंकि पांचों में पांचों सेलेक्ट करना है। सॉरी बच्चों इसमें ना पांचों में पांचों सेलेक्ट करना है तो इसका मतलब फाइव पी फाइव पांचों का पांचों मल्टीप्लाई कॉन्सोनेंट तीनों में से तीनों तीनों में से तीनों। लेकिन बच्चों जब ये सेलेक्ट कर लिया तो इन दोनों को आपस में भी करेंगे तो साथ में टू फैक्टोरियल तो इसका मतलब पांच फैक्टोरियल पांच माइनस पांच फैक्टोरियल तीन फैक्टोरियल तीन माइनस तीन फैक्टोरियल क्योंकि सारा का सारा सेलेक्ट करना है ना अब की बार और ये टू फैक्टोरियल पांच फैक्टोरियल पांच में पांच के जीरो थ्री फैक्टोरियल तीन में तीन गया जीरो और टू फैक्टोरियल। आपको पता है ये जीरो फैक्टोरियल वन होता है तो पांच गुना चार गुना तीन गुना दो गुना एक मल्टीप्लाई तीन गुना दो गुना एक मल्टीप्लाई दो गुना एक मल्टीप्लाई कर दो पांच चौक के बीस बीस तीस साठ साठ दूनी एक सौ बीस तीन दूनी छः दूनी बारह 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 एक सौ चवालीस जीरो यानी चौदह सौ चालीस तरीके से हम लोग इसके विद और विदाउट मीनिंग वाले वर्ड बना सकते हैं। करो थर्ड बिल्कुल सेम है बच्चों। मैं करा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर फाइव। कौन सा करा रहा हूं? क्वेश्चन नंबर फाइव आपसे बोला गया है क्वेश्चन में हाउ मेनी सिक्स डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। कितने छह डिजिट के नंबर फॉर्म किए जा सकते हैं गिवन गिवन डिजिट्स। द गिवन डिजिट्स आर
हाँ जी, क्या क्या डिजिट दिए गए हैं बच्चों आपको? 0, 1, 3, 5, 7, 9 ये डिजिट दिए गए हैं। अब कह रहा है कि भाई डिजिट रिपीटेड नहीं है और 6 डिजिट का हमें बनाना है, 6 डिजिट का हमें नंबर बनाना है जो 10 से डिविजिबल हो। नंबर ऑफ अरेंजमेंट वेयर अ नंबर डिविजिबल बाय, हाँ भाई, अ नंबर डिवी वेयर अ नंबर डिविजिबल बाय 10, ठीक है, ऑफ 6 डिजिट नंबर, ऑफ 6 डिजिट नंबर। मतलब बच्चों क्या कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालना है ऐसे नंबर का जो 6 डिजिट का नंबर हो लेकिन 10 से डिवाइड हो। तो बच्चों 10 से डिवाइड होने की शर्त क्या है? कि लास्ट में 0 होना चाहिए, बस बात ही खत्म। यानी ये हो तो हो गया फिक्स, बाकी कौन बचे? 5। अब इसमें 5ों में से कोई एक रिपीटेड है नहीं, 4ों में से कोई एक, 3ों में से कोई एक, 2ों में से कोई एक, 1 में से कोई एक, यानी कि 5ों में 5, 4, 3, 2, 1 मल्टीप्लाई कर देंगे 120। तो प्यारे बच्चों 120 तरीके के, कितने तरीके के? 120 तरीके के आप नंबर बना सकते हो 6 डिजिट के जो 0 जो 10 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब देखो लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहा था इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवल एंड 21 कॉन्सोनेंट। सही बात है, 5 वोवल है 21 कॉन्सोनेंट है। कह रहा बताओ कितने तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं अगर मैं सिर्फ 2 ही वोवल लूं और 2 ही कॉन्सोनेंट लूं। तो लो जी, टोटल नंबर ऑफ वोवल्स 5, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने भाई? 21। नाउ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट निकालनी है किसकी? अगर 5 में से 2 वोवल ले ले, क्या काम खत्म हो गया? जी नहीं, अभी कॉन्सोनेंट भी चुनने हैं। तो मल्टीप्लाई, 21 में से 2 कॉन्सोनेंट चुन लें, बस बात खत्म। 5C2 होता है 10, 5C2 क्या होता है? 10। सॉल्व करके देख लेना, 21C2 क्या होता है ये देखते हैं। 21 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 21 में से 2 गया 19 फैक्टोरियल, 10 इंटू 21 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा? 19 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू 19 फैक्टोरियल, कट गया ये, 2 से कटेगा 10, तो यानी 10 गुने में 210 और ये 2100। तो बच्चों 2100 तरह के हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वर्ड निकाल सकते हैं। करो, और अगर आपसे ये भी पूछा है कि और कितने तरह के वर्ड हम इसमें बना सकते हैं, और कितने तरीके हम वर्ड बना सकते हैं? नाउ टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, हाँ भाई ये तो अरेंजमेंट किसका हुआ? 2 वोवल का और 2 कॉन्सोनेंट का। लेकिन बच्चों जब 2 वोवल 2 कॉन्सोनेंट है तो इन चारों को भी तो आपस में इलट पलट कर सकते हो, तो साथ में 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 2100 तो ये आ गया, 4 तिया 12 दुनी 24, मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 24 एकम 24 का 4 रह गया, 2 24 दुनी 48 और 2 50, यानी इतनी बार 50,400 तरीके से हम इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी नोट करो बच्चों इसको। चलो ये नोट कर लिया होगा बच्चों आपने।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, सबसे आखिरी में आ जाओ। ये सब क्वेश्चन आपने कर रखे हैं यार। इन हाउ मैनी वेज कौन लेटर कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड एसोसिनेशन बी अरेंज सो दैट ऑल एस आर टुगेदर। चलो भाई सारे एस एक साथ आने चाहिए, ठीक है जी। द गिवन वर्ड इज, द गिवन वर्ड इज एसेसिनेशन, यही है। चलिए भाई तो आप सबसे पहले जो रिपीट हो रहा है उसको लिखो। टोटल नंबर ऑफ एज, ए कितना, 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ एस, 1 2 3 4। और कोई रिपीट हो रहा है, ए हो रहा है, एन हो रहा है और आई हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ आईज, आईज कितने हैं, 2 बार। टोटल नंबर ऑफ एंस कितनी बार है, 2 बार, ठीक है, यह है 2 बार। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो उसने क्या बोला है, नाउ नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या निकालना है, इफ ऑल एस आर टुगेदर, ऑल एस आर टुगेदर यानी अगर सारे के सारे एस टुगेदर हैं। हाँ जी, तो सारे के सारे अगर एस टुगेदर हैं तो ये कुछ देखने में ऐसा लगेगा, ए ए आई एन ए टी आई ओ एन, 4 बार S, क्या लगेगा, 4 बार S। और इसकी अरेंजमेंट बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये पूरा 1 यूनिट 10, यानी कि 10 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसमें रिपीट ए हो रहा 3 बार, आई हो रहा 2 बार, टी हो रहा 2 बार, इसमें तो रिपीट कुछ होगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कट जाएगा। तो बस 10 9 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 into 1, 2 into 1, 3 फैक्टोरियल कटा, 2 दूनी 4 से कटा, बस मल्टीप्लाई कर दो सबकी। और सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों आंसर, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 151,200, ठीक है। चलो करो, 11वां क्वेश्चन हो गया खत्म, ये सब तो खुद ही कर सकते हो। ठीक है बच्चों, बाकी सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, बाकी सारे क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। आपको सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा। या देखो एक मिनट रुको, एक दो क्वेश्चन मैं देखता हूँ, चेक करने दो। हाँ जी, 6th तक तो कर लिया ना हमने, 7th आप करके दिखाना, 8th भी करके दिखाना, 9th भी करके दिखाना, 10th, हाँ 10th बता देता हूँ, अगर 10th में थोड़ा बहुत डाउट है तो, कुछ बचा नहीं है अब इसमें, ख़त्म हो गया भाई आपका ये, ठीक है। अगर फिर भी लगे, चलो रुको मैं सारे ही करा देता हूँ, एक मिनट रुको बस, आज ख़त्म ही करा देते हैं इसको, क्यों आपका डाउट छोड़े, ठीक है। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सक्लूजन पार्टी, देयर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइड दैट Either all of them will join or none of them will join. In how many ways can exclusion party be chosen? लो भाई 25 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, और 25 में से 10 बच्चों को पार्टी में लेके जाना है, 25 में से कितने बच्चों को, 10 बच्चों को पार्टी में लेके जाना है, लेकिन लेकिन 25 में से 3 बच्चे ऐसे हैं जो टीचर के कुछ ज्यादा ही फेवरेट हैं, इनको ये बोल दिया कि भाई तुम तीनों की मर्जी है, आना चाहो तो ठीक, नहीं आना चाहो तो ठीक, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, अगर आओगे तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं आओगे तो आपकी मर्जी है। लेकिन जो बाकी 22 बच्चे हैं उनका फैसला इनके अकॉर्डिंग होगा। क्या, पहला केस, अगर ये गए, इफ दे गॉन, अगर ये गए तीनों बच्चे, तो फिर हमें 22 में से कितने लेके जाने, ये 22 में से कितने लेके जाने पड़ेंगे बच्चों, 7, क्यों, क्योंकि 10 में से 3 ने हाँ कर दी, ठीक है, तो लेके जाने कितने रह गए, 7।
लेकिन इफ दे नॉट गॉन, इफ दे डू नॉट गो, अगर वो नहीं गए तो फिर क्या होगा? तब तो बात ही खत्म, ये तीन गए नहीं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? 22 में से 10 के 10 लेके जाने पड़ेंगे, 22 में से क्या लेके जाने पड़ेंगे? 10 के 10। तो बस टोटल नंबर, हाँ जी कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 10, टोटल नंबर ऑफ क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो कितने हैं? 25। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 25। अगला, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गो इन एक्सक्लूजन पार्टी, हाँ भाई तो कितने बच्चे जाने हैं? 10। नाउ केस फर्स्ट, इफ थ्री सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आर गॉन, अगर वो गए, अगर तीनों स्टूडेंट गए तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या बनेगा? नंबर ऑफ अरेंजमेंट, हाँ भाई नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या बनेगा जल्दी बता दो? तब बनेगा 22 में से कितने लेके जाने पड़ेंगे? 7। क्यों? क्योंकि भाई 10 लेके जाने थे, तीन जिसको हमने सिलेक्ट किया था वो जाने के लिए तैयार हो गए, तो बच कितने गए? 7। तो 22 में से 7। केस नंबर 2, इफ थ्री सिलेक्टेड स्टूडेंट्स डू नॉट गो, नहीं गए, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा बच्चों? नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा जल्दी बता दो? भाई जब इन तीन बच्चों ने मना कर दिया तो अब तो 10 के 10 बच्चे लेके जाने ही है हमें, तो भाई जब 25 में से तीन ने मना कर दिया, बच्चे कितने? 22, और लेके 10 जाने हैं तो कितने रह जाएंगे? 22 C 10। इसका मतलब ये भी काम खत्म हुआ है, क्यों? तीनों ने मना कर दिया तो 7 को लेके जाएंगे ही, सॉरी तीनों ने हाँ कर दी तो 7 को लेके जाएंगे ही, और ये भी काम खत्म हुआ है, क्यों? तीनों ने मना कर दिया, 10 को 10 ले गए। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या बना भाई जल्दी बता दो? 22 C 7 प्लस 22 C 10, इसको सॉल्व कर देना, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएगा, ठीक है 10 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आप कर लोगे, 7 करा देता हूं, जल्दी उतारो इसको, क्वेश्चन नंबर 7 करा देता हूं, फिर खत्म करेंगे जल्दी ही। 6 करा ही दिया, 5 करा ही दिया, चलो भाई बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर, अब देखो 7, क्या बोला है कि एक एग्जामिनेशन बच्चों जहां पे क्वेश्चन पेपर दिया गया और क्वेश्चन पेपर में दो पार्ट है, क्वेश्चन पेपर में कितने पार्ट है? पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन है, दूसरे पार्ट में 7 क्वेश्चन है, पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन है, दूसरे पार्ट में 7 क्वेश्चन है, और टोटल हमें 8 क्वेश्चन करना है दोनों पार्टों से मिला के, दोनों पार्ट से मिला के हमें कितने क्वेश्चन करने हैं? 8 क्वेश्चन करने हैं, और एक बात कंपलसरी है कि हर पार्ट से हमें 3 क्वेश्चन कम से कम तो करने ही है, चाहे तुम फर्स्ट से 3 करो चाहे तुम सेकंड से 3 करो, लेकिन 3 क्वेश्चन हर पार्ट से करने ही करने हैं, और टोटल कितने करने हैं बच्चों? 8 क्वेश्चन। तो बताइए अरेंजमेंट क्या बनेगी? चलो भाई टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन पार्ट 1 तो कितने बच्चों? 5। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन पार्ट 2 कितना है? 7। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट इन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बच्चों? 8, ठीक है।
हाँ, और ईच में कितने? थ्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ अब एक एक करके केस बनाएंगे। इफ इफ स्टूडेंट, इफ स्टूडेंट इफ स्टूडेंट डज थ्री क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट वन एंड फाइव क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट टू। मान लो जो स्टूडेंट है वो पहले पार्ट से तीन क्वेश्चन करता है और दूसरे पार्ट से पांच क्वेश्चन करता है। क्यों? क्योंकि बच्चों तीन से कम क्वेश्चन किसी भी पार्ट में नहीं कर सकते। तो क्या अरेंजमेंट बनेगी भाई? फाइव सी थ्री, क्योंकि काम तो खत्म हुआ नहीं, क्योंकि काम तो तब खत्म होगा जब पूरे आठ क्वेश्चन कर लेंगे, तो इसलिए मल्टीप्लाई। सेवन सी कितना भाई? फाइव। ये हो गया हमारा पहला। अब केस नंबर सेकंड, इफ स्टूडेंट डज फोर क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट फर्स्ट एंड, हाँ भाई, फोर क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट सेकंड। ठीक है जी। अब की बार मान लो भाई पांच में से चार क्वेश्चन किसने किससे किए? भाई फर्स्ट पार्ट से, और चार क्वेश्चन किससे किए? सेकंड पार्ट से। अब अगले केस में आएंगे, इफ स्टूडेंट डज थ्री क्वेश्चन, सॉरी फाइव क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट वन एंड थ्री क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट सेकंड। अब देख लो, तीन से कम क्वेश्चन हम पार्ट सेकंड में भी नहीं कर सकते, तो इसमें कितने केस बनेंगे? 5C5 मल्टीप्लाई 7C3। ठीक है, और कोई केस बनेगा? अब नहीं, अब कोई केस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें छह क्वेश्चन ले नहीं सकता, क्यों? क्योंकि है ही पांच, और इसमें तीन से कम ले नहीं सकता क्योंकि पहले ही बता दिया है कि हर पार्ट में तीन क्वेश्चन तो करना ही है। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या बना बच्चों? तो अरेंजमेंट बना 5C3 मल्टीप्लाई 7C5 प्लस, केस खत्म, सेकंड केस 5C4 मल्टीप्लाई 7C4 प्लस, और फिर 5C5 मल्टीप्लाई 7C3। ठीक है जी, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करके बच्चों इसका आंसर लगभग लगभग 420 आ जाएगा। ठीक है, करो करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर आठ भी हो गया, नौ भी आप कर सकते हो, दस भी कर सकते हो, बस यानी सारे क्वेश्चन खत्म हो गए बच्चों। ठीक है जी, तो इसके सारे क्वेश्चन खत्म, ये चैप्टर आपका खत्म। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए, ठीक है, तो मुझे बता दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट कवर कर दूंगा एनसीईआरटी से। ठीक है, कोई एग्जाम्पल वगैरह कुछ समझ में ना आया हो तो बताइएगा, मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है।